तेरे पास दो ऑप्शन है, पहला उसे यहां बुला, तुझे छोड़ दूंगा, वरना तुम दोनों को एक साथ यही मारूंगा। और भी कोई डायलॉग बाकी है? जब वो आएगा तो ऑप्शन नहीं, एक्शन हो। मेरे देश में तुम लोगों ने मुझसे 17 ब्लास्ट करवाए, तो क्या एक बार मैं तुम्हारे मुल्क में नहीं कर सकता? कोई तो होगा। वो किसी भी फील गुड फिल्म से पहले आने वाले स्मोकिंग एड की तरह से, कंटेंट सही होता है लेकिन विजुअल्स बहुत डिस्टर्बिंग। टाइगर श्रॉफ के साथ देखने को मिलेगी कौन सी हीरोइन, क्या होगी बागी 4 की कहानी और कब होगी बागी 4 रिलीज। स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज में, और आज हम देने जा रहे हैं फिल्म बागी 4 से जुड़ी सारे जवाब और देंगे इस फिल्म से रिलेटेड आपको रोचक तथ्य, तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलना। तो बागी फ्रेंचाइजी फिर लेके आने वाली है बागी का एक और पार्ट, बागी 4। फिलहाल टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म के बारे में कोई भी डिटेल्स देने से मना कर दिया है, पर वो इस फिल्म के लिए खासे एक्साइटेड है। उनकी एक्साइटमेंट का राज कोई और नहीं बल्कि उनके मेंटर रहे साजिद नांडियादवाला, जी हाँ, जिनके साथ वो बैक टू बैक फिल्में कर रहे हैं। अहमद खान जिन्होंने बागी 2 और बागी 3 डायरेक्ट की है, वही होंगे बागी 4 के भी डायरेक्टर। सूत्रों की माने तो रूमर्स उठ रहे हैं कि टाइगर श्रॉफ शुरू करने जा रहे हैं हीरोपंती 2 की फिल्मिंग स्टार्ट, साथ ही वो हीरोपंती 2 और बागी 4 की शूटिंग दुनिया भर के शहरों में कर सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि बागी 4 की शूटिंग 12 कंट्रीज में हो सकती है। बाप रे, शूटिंग चाहे कैसे भी हो पर एक बात तो तय है कि इस फिल्म के चलते टाइगर श्रॉफ वर्ल्ड टूर तो जरूर घूम लेंगे। बात करें फिल्म की तो बागी 3 को कुछ लोगों ने खूब सराहा। टाइगर के साथ श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख ने इस मूवी में काम किया था। आपको बता दें कि इस फिल्म ने एक अच्छा खासा कलेक्शन कमाया लिमिटेड टाइम में, क्योंकि इस मूवी के कुछ टाइम बाद ही कोविड के चलते थिएटर्स बंद करने पड़े थे। आपको बता दें कि खबरें जोरों शोरों से उठ रही है कि इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ के साथ देखने को मिल सकती है हाल ही में अपना डेब्यूट करने वाली सारा अली खान। तो क्या कमाल दिखा पाएगी ये नई जोड़ी इस फिल्म में, वो तो वक्त ही बताएगा। हाल ही में साजिद नांडियावाला जो कि बागी फ्रेंचाइज़ी के प्रोड्यूसर भी है, उन्होंने सारा अली खान को हीरोपंती 2 के लिए फाइनल किया था, बल्कि निकालने के चलते उन्होंने ऐसा करने से बाद में मना कर दिया और तारा सुतारिया को इस फिल्म के लिए फाइनल किया। सारा अली खान श्रद्धा कपूर और दिशा पठानी के बाद तीसरी ऐसी एक्ट्रेस बनेगी जो इस फ्रेंचाइजी का पार्ट होंगी। इससे पहले श्रद्धा कपूर बागी 1 और 3 दोनों में काम कर चुकी है, वही दिशा पठानी बागी 2 में काम कर चुकी है। बात करें अगर कहानी की तो कहानी अभी तक फाइनल की नहीं गई है, पर तीनों पार्ट की स्टोरी लाइन को देख के लगता है कि ये फिल्म भी कुछ वैसी ही रहेगी। रॉनी जो कि एक मार्शल आर्ट्स चैंपियन है, वो फाइट करेगा जो भी उससे चाहिए उसके लिए। हो सकता है कुछ बदलाव हमें इस फिल्म में देखने को मिले, पर इतना तो जरूर है कि इस फिल्म में एक्शन, एंटरटेनमेंट और थ्रिलर तो जरूर होगा। बात करें रिलीज डेट की तो ये फिल्म हमें 2022 तक देखने को मिल सकती है। हाल ही में बॉलीवुड हंगामा को दिए गए इंटरव्यू में टाइगर श्रॉफ से पूछा गया कि अगर उन्हें क्रिश 4 या बागी 4 में से कोई एक चुनना पड़े तो वो क्या करेंगे। इसके जवाब में टाइगर श्रॉफ ने कहा कि वो ऋतिक रोशन के बहुत बड़े फैन हैं और वो उनका बहुत सम्मान करते हैं, तो वो नॉर्मल सिचुएशन में इस फिल्म को जरूर चुनते, पर कोविड के चलते जैसे देश के और हमारे कंडीशन है उस सिचुएशन के हिसाब से वो बागी 4 को चुनेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें बहुत से फैंस के मैसेजेस और कॉल्स भी आते हैं जो कहते हैं कि उन्होंने बागी 3 मिस कर दी थी कोविड के चलते, तो टाइगर श्रॉफ चाहते हैं कि ये फिल्म री रिलीज हो थिएटर्स में ताकि लोग इसे देख पाए। वैसे तो इस एक्शन फ्रेंचाइजी के कई फैंस हैं और अब उन सब की नजर टाइगर श्रॉफ के बागी 4 पर ही टिकी होगी।
और फैंस भी चाहेंगे कि टाइगर अपने एक्शन सीन्स एक लेवल और हाई ले जाएं। फिलहाल टाइगर अपनी कई मूवीज में बिजी है, जैसे कि हीरोपंती, बागी 4 और रैम्बो। और सारा अली खान अपनी फिल्म अतरंगी रे खत्म कर चुकी है, जिसमें उनके अपोजिट लीड रोल में है धनुष और अक्षय कुमार। तो देखना ये होगा कि बागी 4 भी वैसे ही कमाल दिखा पाएगी बड़े पर्दे पर, जैसा बाकी बागी की मूवीज ने दिखाया है। क्या रहेगी ये मूवी बागी फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी हिट, और क्या तोड़ पाएगी ये बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यही बॉलीग्राड स्टूडियोज के साथ, और कॉमेंट करके अपनी राय जरूर बताना।